आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए SPCT सोनम कुमार के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने नखास होते हुए क्षेत्र में पैदल गश्त किया, जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पैदल गश्त किया गया है। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व पर जनपद की सभी मूर्तियां विसर्जित होने के लिए बख्शीपुर होते हुए नखास घंटाघर होते हुए अपने गंतव्य को जाती हैं, जिसको देखते हुए मूर्ति के विसर्जन होने वाले रास्ते में बिजली के तारों को बिजली विभाग को ऊपर करने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे कि कोई भी मूर्ति विसर्जन के लिए जाए तो शॉर्ट सर्किट की संभावना ना बने। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों पर काफी भीड़ बढ़ जाती है, जिससे कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं तथा चैन स्नैचिंग जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अगर किसी को भी किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो तो फौरन पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, PAC सहित RAF के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, आदत पड़ी है निकाला गया सर। क्या ये आगामी त्योहारों के दृष्टिगत यहाँ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, इसमें एक कंपनी RAF, एक प्लाटून PAC है। इसके अतिरिक्त कोतवाली सर्कल के तीनों इंस्पेक्टर और उनके फोर्स हैं, CO कोतवाली भी हैं। अभी पूरे क्षेत्र में हम लोगों को जागरूक करेंगे और उनको उनसे बातें करेंगे और आगे में त्योहारों के दृष्टिगत उनको हम समझाएंगे कि किसी भी तरह का विवाद या ऐसा कुछ ना करें, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तत्काल सूचित करें। सर त्योहारों पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, नागरिक सर क्या करना चाहिए? देखिए भीड़ भाड़ की स्थिति में देखिए सबसे पहले तो कोरोना प्रोटोकॉल तो सबको पालन करना है, त्यौहार अच्छे से मनाना है पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी ज़रूरी है। और किसी भी तरह का उनको अगर दिखता है ट्रैफिक की समस्या या कोई क्राइम जैसी कोई चीज़ दिखती है तो तत्काल गोरखपुर पुलिस को सूचित करें, हम तत्काल रिस्पॉन्ड करेंगे। सर भीड़ भाड़ चैन स्नैचिंग भी घटनाएं बढ़ जाती हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे CCTV वगैरह, देखिए इसमें पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि जितने भी CCTV कैमरे हैं जो लोगों ने लगाए हैं दुकानदारों में, जो जुलूस के वक्त में वो रोड की तरफ कर देंगे। इसके अतिरिक्त हम ड्रोन से भी नज़र रखेंगे इस पूरे त्योहारों पर और अपने जो CCTV कैमरे ITMS के लगे हैं उनका भी प्रयोग करेंगे। एक अस्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की है और वहाँ महिला हेल्प डेस्क भी बनाया है और वहाँ पर सुदृढ़ रखा है, जो फोर्स रखी है वहाँ पर थोड़ी बढ़ाई है हमने,
और इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।